नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे साथी, क्योंकि यह जो टॉपिक मतलब यह जो सेशन होता है इसमें बस मात्र 5 मिनट के सेशन में आपको जीके कथा के नाम से हर एक चीज प्रोवाइड किया जाता है और हर टॉपिक बिल्कुल जिद्दोजहद से बनाया गया है साथी। यह छपेगा आपके एग्जाम में श्योर है। यह सुपर टेट के नाम से चलाया गया, सुपर टेट जीके कथा के नाम से, प्लस सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट होते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यह लाभ रहने वाला है, इससे मिलने वाला है। साथ ही अगर आप सेकंड पेपर देखते होंगे यूपी टेट सी टेट का, तो उसमें भर कर सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में आज हम पढ़ने वाले हैं घास के मैदान, मात्र 5 मिनट से कम के इस सेशन में। यह डेली सेशन होता है, यह पहला सेशन नहीं है, आप डेली से फॉलो करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। पहला है सबसे पंपास, पंपास का घास का मैदान। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता किस कॉन्टिनेंट्स में है, अगर पूछा जाता किस कॉन्टिनेंट्स में है तो बता देंगे दक्षिणी अमेरिका में साथी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर दोस्तों आपका यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका, और यहाँ पर एशिया, और यहाँ पर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड है बच्चा, और यहाँ पर कोपापुड होप है या अफ्रीका है। यहाँ से कर्क रेखा गई हुई है, यहाँ से मकर रेखा, और यहाँ से सॉरी यहाँ से आपका यह आपका भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा और यह कर्क रेखा गई हुई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो पंपास का घास का मैदान है साथी, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद प्रेरिज घास का मैदान, दोस्तों उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर याद रखना है आपको। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। सो वेल्ट्स घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका यहां पर है साथियों, याद रखना है, यहां पर है दक्षिणी अफ्रीका, और यहां पे पाया जाता है वेल्ड्स, वेल्ड, वेल्डस आधा मतलब पूरा सा लगा देना वेल्ड लिखने के बाद, यहां पर पाया जाता है वेल्ड्स घास के मैदान, कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका में। जब लानोस, लंबीनोस, लंबीनोस यानी कि वेनेजुएला, यहां पर स्थित है वेनेजुएला साथी, वेनेजुएला में पाया जाता है लानोस घास के मैदान, इस बात को याद रखना है। इसके बाद डाउन्स, सबसे डाउन्स में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है साथी, सबसे डाउन्स में, तो सबसे डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया, इसमें से डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इस बात को याद रख लेना। इसके बाद पुस्टाज, पुस्टाज जो घास के मैदान है दोस्तों, ये हंगरी में पाए जाते हैं, याद रखना है। इसके बाद सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, सवाना घास के मैदान कहाँ पर? अफ्रीका में, वो भी कहाँ पर? इस भूमध्य रेखा वाले रीजन में साथियों पाया जाता है, याद रखना। सवाना, सभी लोग आना, कहाँ पर आना? जहाँ पर फ्री का माल मिले, जहाँ पर फ्री का माल मिले यानी अफ्रीका, आ भाई फ्री में, कहाँ आया? जहाँ पर सभी लोग आते हैं, सवाना, सभी लोग कहाँ पे? फ्री में, इस तरह से याद हो गया। इसके बाद स्टेपिज घास के मैदान साथियों, याद रखना, यूरेशियन पर्वत श्रेणी पर पाया जाता है। यूरेशियन यहाँ पर स्थित है साथियों, जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, यहाँ पर पाया जाता है, याद रखना है। स्टेपिज, स्टेपिंग कर देना किसको? यूरोप और एशिया को साथियों। इसके बाद कोल्ड के रूप में घास के मैदान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर आपको स्थित है, यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड स्थित है, यहाँ पर आइसलैंड स्थित है, यहाँ पर ग्रीनलैंड में बहुत सारे ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर साइबेरियन का एरिया है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको टुंड्रा घास के मैदान कहते हैं। टुंड्रा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं साथी, याद रखना है आपको, ठंडी वाले प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक सेक्टर है, यहाँ पे अंटार्कटिका का महाद्वीप है साथी, तो आर्कटिक सेक्टर से बहुत सारी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पर साइबेरियन एरिया है रूस का, यहाँ पर टुंड्रा घास के मैदान, और यहाँ पे टुंड्रा घास के मैदान देखने को मिलते हैं। प्लस कनाडा वाले क्षेत्र में भी मिल जाते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा, चलिए यहाँ पर कनाडा है, कनाडा के बाद अमेरिका है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको है, इस प्रकार से कनाडा वाला क्षेत्र हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, और साइबेरियन का एरिया हो गया साथी, जो हमारे यूरोप में और एशिया में पड़ जाता है, तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र टुंड्रा घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। बताओ मजा आया? ऐसे सेशन फॉलो करिए साथी, आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ें, तो यूपी टेट का एक प्लेटफॉर्म मतलब एक तरह से प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें आ जाएगा ईवीएस वाले सेक्शन में, डिटेल में मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से 4-5 मतलब 2-3 एक तरह से 30 मिनट के अंदर पढ़ाया गया है, तो ऐसे 5 मिनट में आपको दिया जा रहा है। नमस्कार, डेली सेशन को फॉलो करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।